नमस्ते दोस्तों, सैर सपाटे की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि जब भी अगर आप घूमने जाते हैं तो अगर आपको वहाँ का बजट पता लग जाए कितना लगेगा, अगर बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं, तो और वहाँ जो जगह हैं कौन कौन सी जगह हैं, होटल में कितना लगेगा, खाने में कितना लगेगा और पहुँचा कैसा जाए, तो आपकी प्लानिंग में बहुत मदद हो जाती है। आप अपनी बहुत अच्छी से प्लान कर सकते हैं, आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बस से जाना है, ट्रेन से जाना है या अपनी कार से जाना है, जो आपके बजट में फिट बैठता हो। तो ऐसा ही एक टूल है जो आपको इन सब में मदद देता है। तो आपको करना क्या, आपको इस वेबसाइट पर जाना है, India.Info.help, www.India.Info.help। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन देता है कहाँ आपको घूमना है। तो आज मैं आपको बताता हूँ ताजमहल, अगर क्योंकि आगरा तो आप में से सभी लोग अपने जीवन में एक बार जरूर जाते हैं ताज देखने, तो कैसे जाएं? अगर आप आगरा फतेहपुर सिकरी अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, तो आपको ड्रॉप डाउन में से आगरा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आप हमने दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, और बाकी आगरा की कनेक्टिविटी देश के बहुत लगभग लगभग सभी शहरों से है। आगरा जंक्शन भी है ट्रेन का, तो ट्रेन आपको हर जगह से मिल जाती है, तो पर हम दिल्ली दिया क्योंकि दिल्ली सेंटर पॉइंट है और ज़्यादातर लोग दिल्ली होते हुए इधर उधर जाते, तो दिल्ली से आगरा कैसे जाए। तो दिल्ली से आगरा जाने का मैं खर्चा आपको और ये सब इस वेबसाइट में, जैसे ही आप इधर आएंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप दो लोग हैं, कपल आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने दो सेलेक्ट करें। अब सवाल आता है किसी भी जगह घूमने जाते हैं तो कितने दिन वहाँ के लिए सफिशेंट हैं। अगर तो हम ये मानते हैं कि दो दिन आगरा में, दो दिन बहुत है आपके लिए। अगर आप सर्दियों में ज़्यादा दिन भी जाना चाहते दो दिन बहुत है, एक दिन ताजमहल देख लीजिए, एक दिन आप फतेहपुर सिकरी और दूसरी जगह देख लीजिए। तो आपने यहाँ पर दो दिन सेलेक्ट कर लिया। अब दिल्ली से आगरा कैसे जाया जाए, दिल्ली से आगरा 4 घंटे का रास्ता है और सिर्फ 250 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है। बाय कार, खुद की कार से जाते हैं तो 1300 रुपये लगेंगे, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर राउंड ट्रिप माने तो ये 2600 रुपये हो गए। तो यहाँ ये ट्रिप बजट कैलकुलेटर में अच्छी बात ही आपको सब बताता रहता है। अगर किसी बस से जाते हैं, अब देखिए अगर आप नॉर्मल वो एसी बस से जाते हैं 400 रुपये, वोलो बस से जाते हैं 800 रुपये, तो इस प्रकार से ये है। मान लो एसी सीटर से भी जा सकते हैं 4 घंटे की दूरी। अब प्लेन जो आगरा में जो एयरपोर्ट है वो एक मिलिट्री एयरपोर्ट है और सिविल यूज के लिए भी लिमिटेड है, जिसमें केवल वीआईपीज के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए एयरपोर्ट नहीं है। जो चार्टर्ड प्लेन वीआईपी लोग आगरा आते हैं तो वही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लाइट की कोई डायरेक्ट व्यवस्था नहीं है। ट्रेन बहुत सारी ट्रेन हैं, कई सारी ट्रेन हैं। अगर आप स्लीपर में जाते हैं तो 340 रुपये आपके लगते हैं, थर्ड एसी सेकेंड एसी, तो आप जो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से होगा। अब मान लो आप बस से जाते हैं तो एसी से जाते हैं तो 400-800 रुपये दो लोग के ये हो गए। अब आते हैं, अब कहीं भी जाते हैं उसके बाद आता है कि खाने की क्या कॉस्ट होती है। तो हर जगह खाना बहुत बड़ा होता है। आप दिन भर में रहते हैं तो 600 रुपये का एक आदमी खाता ही है, तो ब्रेकफास्ट और डिनर कम से कम 200 रुपये आपके लगते हैं, बाकी 200 रुपये दिन भर की दूसरी चीज़ों में खाने। तो अगर वेज खाते हैं तो 600 रुपये, नॉन वेज खाते हैं तो ज़्यादा लगेगा 1200 के आसपास। तो 600 रुपये आपका ये हो गया, मान लो मैं वेज मान लेता हूँ आपके लिए तो ये। इसके बाद आती है होटल में रुकने की कॉस्ट। आगरा में होटल थोड़े से महंगे हैं। अगर आप सीजन के टाइम में जा रहे हैं तो, क्योंकि ये टूरिस्ट सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे विदेशी सैलानी भी आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर होटल के प्राइसेस ज़्यादा हैं। आपको नॉर्मल किसी जैसे कि शिमला, मनाली, नैनीताल और उदयपुर जो हमारे देश के टूरिस्ट प्लेस हैं, उनसे भी यहाँ पे आपको कई महंगे होटल मिलेंगे। अगर आपको बिल्कुल बजट रेंज में जाना है तो 1200 रुपये में आपको होटल मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा अच्छा जाना है तो 2500 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब मैं मान लो मिड रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब तो इतना आ गया 2500 रुपये पर डे, तो होटल की कॉस्ट आपकी 5000 के आसपास आ गई। अब लोकल ट्रांसपोर्ट, हाँ तो कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आगरा में। अगर आप, एक तो होती है टैक्सी, फतेहपुर सिकरी आप जाएंगे तो वो दूर है, 45 किलोमीटर है आगरा से, तो वहाँ के लिए आपको दिन भर लग जाता है आना जाना सब कुछ वहाँ पे देखना, मतलब आधा दिन लग जाएगा लगभग। तो आप वो टैक्सी लेनी पड़ी, तो इस टैक्सी की कॉस्ट 1800 रुपये होती है। और आगरा के अंदर अगर आप
घूम रहे हैं तो आप ऑटो से भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं, तो वो उतना नहीं लगता। आप डिपेंड करता है आपका, मेनली आप ताज देखने जाएंगे और आगरा का किला देखने, जो दो तीन जगह हैं, तो 300-400 रुपये में आपका हो जाएगा लगभग, आप ऑटो ले सकते हैं। तो ये तो था ये सारा चीज़ें। और हाँ, एडवेंचर एक्टिविटी कॉस्ट, तो जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटी में है आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, तो आप ये सब ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बजट आपका 8,880 रुपये आपका आ चुका है अभी तक कि, जिसमें आपकी टैक्सी की कॉस्ट और वहाँ पे होटल की कॉस्ट, खाने की कॉस्ट और रहने की कॉस्ट, ये सब है। अब आता है आगरा में कौन कौन सी जगह देखें। तो जो सबसे बड़ी जगह आगरा में वो है ताजमहल। आप ताजमहल देखने जाते हैं तो आपको मैं एक एडवाइस दूँ कि अगर जब आप ताजमहल देख, तो अपना होटल कोशिश करें कि ताजमहल के आसपास हो। ताजमहल के आसपास आपका रहेगा तो आपका एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं, गर्मियों के टाइम में या फिर ऐसे समय में जा रहे हैं, तो ताजमहल देखने का सबसे अच्छा समय या तो सुबह सनराइज के टाइम है या सनसेट के टाइम पे है, तो उसके पास वाला। तो ताजमहल की फीस, इसकी जो एंट्री फीस है वो अलग अलग है, यानी 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का है। 100 रुपये वाले में आप जो बाहर से देख सकते हैं, अंदर जा अंदर मतलब जहाँ पे मकबरा है या वो है वहाँ तक आप नहीं जा सकते हैं। जो जो 250-300 रुपया है उसमें आप अंदर तक जा सकते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं इसमें। तो ये ताजमहल, तो आगरा जाएंगे ताजमहल तो आप देखेंगे। तो ताजमहल की खास बात है ये, इतना जैसे जैसे आप इसके नज़दीक जाते हैं इसकी खूबसूरती उतनी अच्छी होती जाती है, मतलब ये और खूबसूरत लगने लगता है। और ताजमहल जाएंगे यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करेंगे तो ताजमहल में आपके आराम से 3 घंटे लग जाएंगे, 2 से 3 घंटे। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जाइए, 5 या 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास चले जाइए, और 9 बजे तक आप आ जाइए, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है। बहुत बड़ा ताजमहल के आसपास इलाका है, गार्डन है बहुत खूबसूरत, तो वहाँ पर आप फोटोग्राफी करेंगे, और तो आपको 2 से 3 घंटे बड़े आराम से लग जाता है। और यहाँ पे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर कर लीजिए, जो वहाँ पर रहते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर फोटोग्राफ्स निकाल देंगे, और चाहे तो गाइड भी ले सकते हैं आप, गाइड भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सबसे बड़ा ताजमहल, आगरा लोग जाते ही ताजमहल देखने हैं, तो ये है। और इसके बाद जो सबसे खास जगह है जो आगरा में है वो है आगरा का किला। ये भी बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है, और यहीं से, इसी किले से अकबर का शासन चलता था। तो इसको भी काफ़ी अंदर बहुत बड़ा, अच्छे अच्छे गार्डन हैं और कमरे हैं, कोर्ट रूम्स हैं, और यहाँ से ताजमहल का बहुत सुंदर व्यू दिखता है। तो जो ये किला था, तो शाहजहाँ को यहीं पे उसके आखिरी दिनों में कैद कर दिया गया था, और यहाँ से ही वो ताजमहल को देखते रहता था। तो जो ताजमहल बिल्कुल इसके सिमेट्रिक है, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आता है ताजमहल का, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी भी जो एंट्री फीस है वो लगभग 60 रुपये एंट्री फीस है, तो 2 लोग होंगे तो 120 रुपये ये एंट्री फीस हो जाएगी। तो यहाँ भी आपको आराम से 3 से 4 घंटे, तो कोशिश कीजिए, तो अगर आप ताजमहल सुबह जा रहे हैं तो आगरा का फोर्ट शाम के टाइम पे देख लें, तो इस तरीके से कर लें। तो क्योंकि जब लाइट कम होती है तो फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है, और ये दोनों जगह फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और क्योंकि जो हिस्टोरिक जगह है, इतने बड़े बड़े इसके, इतने विशाल इसमें यहाँ पे बगीचे हैं, और जो दीवारें हैं वो भी बहुत अच्छी से वेल मेंटेन्ड है, व्यू बहुत खूबसूरत आता है दोनों जगहों से। ताजमहल की तो बात ही कुछ है, और आगरा के किले से भी बहुत खूबसूरत आता है। तो शाम के समय जाए, कम लाइट में आपका ये रहेगा। इसके बाद आप जा सकते हैं फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। 40 किलोमीटर है आगरा से ये। तो आप जैसे आपने पहले दिन ताजमहल और ये देख लिया, दूसरे दिन आप इसको देखने जा सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत है। इसमें भी जो पर्शियन और मुगल आर्किटेक्चर की इसमें बहुत झलक दिखती है, बहुत खूबसूरती है, जिसे बारीकी से गुंबद टूम और जो बनाया गया है तो वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ जाएंगे तो इसमें जाने का, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा जो है ये यहाँ का कोई इसका किराया नहीं है। और उसके अलावा आप जामा मस्जिद भी देख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत विशाल और बड़ी मस्जिद है, और आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है इसका, और इसकी जो मेंटेनेंस है अभी भी बड़ी अच्छी मेंटेनेंस इसकी की हुई है।
तो यहाँ की जो साइट्स हैं आगरा की, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। इसी प्रकार से ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे हेरिटेज साइट हैं आगरा में। तो आप अकबर का टॉम देख सकते हैं और अंगूरी बाग आप देख सकते हैं। तो ये आगरा में जगह है, तो इनमें जाने के लिए पैसे नहीं है, मेनली आपको ताजमहल और आगरा फोर्ट में ही जाने के लिए पैसे लगेंगे। तो जितनी भी जगह हैं आगरा में, जो क्योंकि जो मुगल एम्पायर था, अकबर की राजधानी थी, अकबर ने पूरा जो शासन था यहीं से चलता था, तो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है वो बहुत अच्छी से वेल मेंटेन्ड है और आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है उनका। तो आगरा में ये सब देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 दिन काफ़ी हैं आपके लिए आगरा में, और ये है तो ये सब जगह। तो आप देख सकते हैं आपका बजट लगभग 9,000 रुपये के आसपास आपका बजट आया, यानी एक आदमी का 5,000 रुपये। तो दिल्ली से आप जाते हैं 2 दिन में, 5,000 रुपये पर पर्सन के बजट में बड़े आराम से आप आगरा फतेहपुर सीकरी घूम के वापस दिल्ली आ सकते हैं। और आगरा में एक खास बात है, यहाँ पर आप थोड़ा सावधान रहें कि जो लोकल गाइड या ऑटो वाले होते हैं, आप पहले सारी डायरेक्शन वगैरह पूछ लें। कई लोग आपको मतलब गलत जानकारी भी दे देंगे कि यहाँ पे, क्योंकि 2-3 जगह, एक तो मीना बाजार है वहाँ पे, और जो पेठा, आगरा का पेठा फेमस है, तो जिस ऑटो या टैक्सी में, वो आपको कोशिश करेगा कि किसी ऐसी दुकान पर ले जाएँ। तो उन सब चीज़ों से सावधान रहें, कोई भी चीज़ करने से पहले 2-3 लोगों से पूछ लें, किसी पर तुरंत जो आपका ऑटो वाला या टैक्सी वाला होगा एकदम उस पर भरोसा ना करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में, और इस टूल को आप इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, india.info.help। मैं इसका लिंक वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर भी मेंशन रहेगा। तो आप अपनी ये टूल आपकी प्लानिंग करने में पूरी मदद कर दे, जैसा कि आपको बड़े आसानी से पता लग गया कि 9,210 रुपये में आप बड़े आराम से घूम सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको होटल मान लो इससे सस्ता करना है, तो सस्ता वाला भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपकी प्राइसिंग प्लानिंग पूरी आ जाएगी।